नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलिबोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिलिबोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिलिबोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिलिबोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिलिबोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। सिलिबोन टैबलेट का उपयोग लिवर की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। सिलिबोन टैबलेट लिवर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर की कार्यप्रणाली को अच्छा बनाती है। सिलिबोन टैबलेट का उपयोग जॉन्डिस यानी पीलिया होने पर, फैटी लिवर होने पर, लिवर में सूजन होने पर, हेपेटाइटिस होने पर, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होने पर और लिवर की पुरानी बीमारियों जैसे सिरोसिस आदि बीमारियों को ठीक करने के लिए सिलिबोन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति रोजाना शराब का सेवन करते हैं या ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिवर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और जिसकी वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। सिलिबोन टैबलेट शराब की वजह से लिवर में जमा हुए विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर को डैमेज होने से रोकती है और लिवर की कार्यप्रणाली को ठीक करने में मदद करती है। सिलिबोन एक ब्रांड नेम है। सिलिबोन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिलिमेरिन होता है। सिलिबोन टैबलेट 70 mg और 140 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलिबोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिलिबोन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सिलिबोन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट से गैस निकलना, दस्त, पेट में बेचैनी और भूख कम लगना आदि साइड इफेक्ट्स सिलिबोन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलिबोन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सिलिबोन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलिबोन 70 mg टैबलेट को दिन में 3 बार या सिलिबोन 140 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन सिलिबोन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिलिबोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सिलिबोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलिबोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिलिबोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को सिलिबोन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को सिलिबोन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिलिबोन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिलिबोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिलिबोन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।